देखिए, आज जो चुनाव में हम जीत की ओर जा रहे हैं उसमें कर्नाटक की जनता को सबसे पहले बधाई देते हैं। हम अपने नेतृत्व आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी, हमारे प्रभारी अविनाश पांडे जी और वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष जो डी के शिव कुमार जी हैं उनको बधाई देते हैं कि उन्होंने काफी उन सभी लोगों ने मेहनत करके मुद्दों पर बात करके और जो लोग चुनाव में इधर उधर की बात करके चुनाव में मतदाताओं को भटकाना चाहते थे वैसे लोगों पर कमान कस करके आज हम लोग जीत की ओर अग्रसर हैं और हम समझते हैं भारी बहुमत से हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। जिस तरह के चुनाव प्रचार हुए, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने जय बजरंग बली के नारे लगाए तो बजरंग बली ने यह साफ कर दिया कि आपके नारे के लिए मैं नहीं बना हूं, मैं आस्था का विषय हूं। लोग बजरंग बली की पूजा उनसे ताकत लेने के लिए करते हैं, उसकी जगह मंदिर में है, घरों में है, बाजार में नहीं है। और जिस तरह से हनुमान जी को, बजरंग बली को बाजार में बेचने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, बजरंग बली का गदा उन पर पड़ चुका है और बजरंग बली ने जो आदरणीय राहुल गांधी जी का नारा था कि नफरत के शहर में मोहब्बत के दुकान खोलने निकला हूं, उस पर अपना आशीर्वाद दिया है और आज हम ये कह सकते हैं कि जय बजरंग बली तोड़ दे नफरत की नली और नफरत की नली को तोड़ने में हम कामयाब हुए हैं। मोहब्बत की दुकान कर्नाटक में हिमाचल के बाद अपनी ताकत के साथ चुनाव लड़ा, कर्नाटक में हमने अपनी ताकत के साथ चुनाव लड़ा और उसके बाद राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अपनी ताकत के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। निश्चित रूप से जो हम काम करते हैं और जो हमारे काम करने का तरीका है उसे हम ये कह सकते हैं कि इन तीनों राज्यों में भी भारी बहुमत से हम जीतने जा रहे हैं और ये हम कह सकते हैं कि आने वाले लोकसभा के लिए बहुत बड़ी बड़ा संदेश है कि जनता का वोट कांग्रेस की। देखिए, राजनीति में जीत और हार ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास करने वाली राजनीतिक दल है। हम लोकतांत्रिक तरीके से ही आज धीरे धीरे बढ़ते हुए यहाँ तक आए हैं। अब चुनाव में हार और जीत ये जनतंत्र है, जनता के हाथ में है। जनता जिसे चाहती है वह जीतता है और दूसरा पक्ष हारता है। लेकिन हम स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की परंपरा पर चलने वाले दल हैं। अटल जी ने एक बड़ा अच्छा लाइन कहा था कि क्या जीत में क्या हार में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। भारतीय जनता पार्टी अपना राजनीतिक कर्तव्य का निर्वहन कर्नाटक में करेगी। जिस कारण से हम कुछ कमी बेसी रह गई होगी, हम क्यों हारे इन बातों पर भी चिंतन मंथन होगा। करने वाला है भारतीय जनता पार्टी ने विगत वर्षों में राष्ट्र के लिए जो किया है, जन जन के लिए जो किया है और मोदी जी ने जो उद्घोष दिया कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, एक सामूहिक नेतृत्व, और उन्होंने ये साबित किया कि ये देश और ये राजनीति ये सबके लिए है, किसी एक परिवार के लिए नहीं है। और अंत्योदय का जो उद्घोष था पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो दिया था कि अंतिम व्यक्ति का उदय कैसे होगा, वह भारतीय जनता पार्टी के शासन में ही देखने को मिला है। गरीब कल्याणकारी योजनाएं धरातल तक जो उतरी हैं ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने कहा कि राष्ट्र प्रथम, इसलिए इस देश की जनता जानती है कर्नाटक का चुनाव ठीक है जीत गई कांग्रेस पार्टी, लेकिन जो 2024 का चुनाव है देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को ही मौका देगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के शासन में देश तेजी से विकास कर रहा है।